गाइस, वेलकम टू माय क्लास। एडजेक्टिव के नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली गाइस आई बताना चाहती हूँ कि ये एक ही वीडियो में कवर हो सकता था, बट बहुत टाइम ही ऐसा होता है कि हम बहुत लंबा लेंथी वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा बोरिंग फील करते हैं, इसलिए इन एडजेक्टिव के वीडियोस को मैंने बहुत पार्ट में डिवाइड किया है। उसको बहुत धीरे धीरे समझेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, वी हैव टू लर्न एडजेक्टिव। तो आज हम केवल नंबर को डेडिकेट करते हैं कि जैसे कि होता है ना कि नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं कि सम हो गया, मेनी हो गया, फर्स्ट हो गया, एनी हो गया, ऑल हो गया, तो इस प्रकार की कई चीजें हैं जहां से नंबर से रिलेट करते हैं और ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिन पे इनका मतलब बड़ा गहरा संबंध है। इनको हम कैसे पढ़ेंगे, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसको बहुत धीरे धीरे समझेंगे, है ना। तो टाइप ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। तो इसके लिए अपन पढ़ेंगे सबसे पहले डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव। डेफिनेट नंबर नाम से समझ में आ रहा है कि बिल्कुल डेफिनेट होगा, बिल्कुल निश्चित होगा। तो वे होते हैं जो एक्स्ट्रा नंबर या ऑर्डर या रैंक या पोजिशन की जानकारी देते हो ना, जैसे अपन बोलते कॉर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर होते हैं दो प्रकार के। तो इस प्रकार की सिचुएशन बनती है कि ये लास्ट बच्चा है, ये फर्स्ट है, ये एक है, ये एक एक दो तीन चार ऐसे हैं। तो ये नंबर ऑफ होते हैं जिसमें से डेफिनेट नंबर में ही दो भाग होते हैं, मतलब दो भाग समझने की दृष्टि से, कॉर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। तो जो कॉर्डिनल नंबर होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें से काउंट करते रहते हैं तो नॉर्मली आते हैं। इसको एग्जांपल में भी हम बाद में लेंगे, पहले इसको धीरे धीरे समझेंगे। फिर अपन आते हैं सेकंड वाला ऑर्डिनल नंबर। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑर्डर बताता होगा कि दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज लास्ट, ऐसे हम बताएंगे। तो ये होता है, जैसे अपन एक एग्जांपल यहाँ पे दिए, फर्स्ट स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास इज राहुल। पहला लड़का जो मेरी क्लास का है वो कौन है, राहुल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसा है, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे इसकी विशेषता है कि ये फर्स्ट स्टूडेंट है मेरी क्लास का, जो राहुल है ना। तो इस प्रकार से जो नंबर आ रहे हैं उसको अपन डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव कहेंगे। देन सेकेंड में हम करेंगे इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव। इनडेफिनेट मतलब कोई भी निश्चितता नहीं होगी, कोई भी समझ में नहीं होगा कि हाँ परफेक्ट, जैसे मैंने वन बोला था तो बिल्कुल वन यानी यही होगा, फर्स्ट यानी यही होगा, लास्ट यानी यही होगा। बट कुछ ऐसी जगह पर कि सम बहुत सारे हैं, देर आर फ्यू स्टूडेंट्स, देर आर सम स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ पे हमें नहीं पता है कि कितने हैं, चार हैं, दो हैं, कुछ सर्टेनिटी नहीं बनती है हमारी ना। तो वहाँ पे क्या होगा, इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव की बात करेंगे वहाँ पे हम। तो ये एग्जैक्ट नंबर व्यक्त नहीं करते बिल्कुल कि हाँ ये दो है कि चार है, ऐसा व्यक्त नहीं करते हैं, शो नहीं करते हैं। जैसे कि सपोज एनी हो गया, ऑल हो गया, फ्यू हो गया, सम हो गया, मेनी हो गया, मेनी होगा, सर्टेन हो गया, सेवरल हो गया, ऐसे कई हो जाते हैं। एग्जाम्पल में देख लेंगे इसको, और डिटेल में भी एग्जाम्पल अपन इधर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हो सकता है इसी में। आई हैव फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, मेरे पास बिल्कुल थोड़ी बूंदें हैं, मेरे पास थोड़ी बूंदे हैं वाटर की, मतलब ना के बराबर। अभी पढ़ेंगे सेवरल पीपल वर देयर, कई पीपल थे वहां पर, है ना, कई पीपल थे वहां पर। तो वहां थे कई पीपल, तो वहां पे कई है, दो चार, सर्टिनिटी नहीं है कि इतनी है, या किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम भी नहीं पता। वो सेवरल मतलब कई थे, अन्य थे, है ना। फ्यू में भी कुछ है, दो हो सकती है, चार हो सकती है, तो ये हो सकती है। नाउ थर्ड देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव। नाम से ही पता कि जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, जैसे कई बार होती है ना कई चीजें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है कि डिस्ट्रीब्यूट दिस टॉफीज एंड एवरी स्टूडेंट्स, हर हर इस बच्चे को ये बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट दिस कॉपीज एवरी स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स में बांट दो, इस प्रकार की जब बातें आती है, बांटने वाला सेंस आता है, तब हमको इस प्रकार का एडजेक्टिव का यूज करना पड़ता है। देखो इधर हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया, नीदर हो गया। देखो पहले हम लोग इसको आइदर और नाइदर बोलते थे, बट राइट नाउ वी प्रोनाउंस की लाइक नीदर और आइदर। आपको जो ठीक लगता है तो वो लगाओ, बट मुझे तो नाइदर ही ठीक लगता है, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हम उसी से पढ़े हुए हैं, तो हम नाइदर ही बोलते हैं, नाइदर और आइदर, ठीक है ना। एवरी स्टूडेंट हैज नॉलेज, सब स्टूडेंट्स के पास नॉलेज है, सब स्टूडेंट्स के पास नॉलेज है, मतलब बताते हैं कि सारे के सारे हैं, है ना। अभी हम उसको और डिटेल में यहाँ पे मैं लेके आ जाऊंगे। चलिए इंट्रोगेटिव, नाम से समझ में आ रहा है कि जैसे कोई प्रश्न वाली बात हो रही होगी, व्हाट हूज विच, जो भी चीजें आएंगी वो किसकी है, कैसी है, सुंदर है, किसकी है, ये सब आएगी, तो ये आ जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर आ जाएगा। फिर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाता है, किसी चीज को बिल्कुल
बिल्कुल पॉइंट आउट करना है, जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दोज हो गया, दीज हो गया, ऐसे नहीं बोले कि दैट इज स्मार्ट, दैट इज अ स्मार्ट बॉय, वो बॉय तो है लेकिन कैसा है, स्मार्ट बॉय है, तो वो हमने उसको इंडिकेट कर दिया इस प्रकार से। फिर आ जाता है पजेसिव एडजेक्टिव, आ जाएगा पजेशन की बात आती है, यहाँ अधिकार की बात आ जाती है, हमारा कोई अधिकार वाली बात है, तो सच एडजेक्टिव विच शो पजेशन ऑफ नाउन, नाउन का पजेशन बताते हैं कैसे होगा कि माय, हिज, हर, देयर, इनका, किसी का है ना, किसी के बारे में बताते हैं, तो पजेशन वाली बात हो जाएगी। हर आईज आर ब्लू, उसकी आंखें हैं कैसी हैं, ब्लू है। माय हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं। तो इस प्रकार से मतलब ये पोजीशन की बात है कि ये आपका है और ये ऐसा है, ठीक है ना, इसकी स्पेशलिटी ये बताई गई है। तो एडजेक्टिव को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आप उसको समझोगे, आगे बढ़ोगे, तो और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे, ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। सबसे पहले तो मच और मेनी में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। देखो मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि मच और मेनी दोनों ही बहुत के लिए आते हैं, लेकिन मच आता है अनकाउंटेबल के लिए और मेनी आता है काउंटेबल के लिए। तो देखेंगे कैसे यूज ऑफ मच और यूज ऑफ मेनी। देयर इज मच वाटर, सपोज यहाँ पे किसी ने थ्रो कर दिया, वाटर पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो देयर इज मच वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर बोलते हैं ना, देयर इज मच वाटर, बहुत सारा पानी है यहाँ पर, है ना। चलिए अब जैसे अगर आप उसको क्वेश्चन की बारी में आ जाएगा, हाउ मच शुगर बोलते हैं ना, कितनी शुगर है आपके पास, हाउ मच शुगर डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी शुगर है, तो इसको प्रश्न में भी ला सकते हैं। हाउ मच रुपए डू यू हैव, कितने रुपए आपके पास है। देखो मैंने बोला था ना रुपए भी आपको अनकाउंटेबल में लाना है, क्योंकि अपन उसके लिए भी, हाँ अगर अपन कॉइन्स काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 कॉइन है मेरे पास, 1 नोट 2 नोट, ऐसे वो हम हाउ में नहीं कर सकते हैं, बट अपन जहाँ कॉस्ट की बात करते हैं, पैसे की बात करें, रुपए की बात करते हैं, वहां पे अपन हाउ मच लगाते हैं ना। तो हाउ मच रुपए डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, है ना। अगर हम बोलेंगे हाउ मेनी कॉइन्स, तो हम कॉइन्स के लिए हाउ मेनी लगा देंगे, क्योंकि हम उसको गिन रहे हैं, 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन ऐसे गिन रहे हैं, ठीक है। अब इसको अपन मेनी की तरफ चलते हैं। यूज ऑफ मेनी, मगर बहुत होता है। आई हैव मेनी पेन्स, मेरे पास बहुत सारे पेन है, ठीक है ना। शी हैज मेनी कप्स, उसके पास बहुत सारे कप है। अब वहां भी हम मच नहीं लगा सकते, मच कप्स नहीं बोलते, क्योंकि हम उसको काउंट कर रहे हैं, 1 कप 2 कप 3 कप 4 कप, ठीक है ना। चलो बिल्कुल अपने डेली रूटीन से ही सीखना है अपन को, तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं तो पता चला हम बड़े बड़े सेंटेंस से पढ़ते तो वहीं हमारा कंफ्यूजन होता है और हम उसको दूर कर देते हैं, और फिर जो हमारी मेन चीज है उससे फोकस से हट जाते हैं, है ना। तो इसलिए बिल्कुल आसपास की चीजों से सीखेंगे। चलिए अब सम और एनी में भी कुछ डिफरेंस है, जरा ध्यान से सुन लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा है, माइनर सा, डरने की कोई बात नहीं। सबसे पहले देखेंगे सम। सम यानी बोलते हैं ना कि आई हैव सम पेन, मेरे पास कुछ पेन है, मेरे पास कुछ बुक्स है, आई हैव सम बुक्स, आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ चीजें हैं, है ना। लेकिन वहीं पे अपन कुछ प्रश्न पूछ के, तुम्हारे पास कुछ चीजें हैं क्या, तो अपन बोले डू यू हैव सम थिंग्स, कुछ है तो चीजें तुम्हारे पास, कुछ भी खाने के लिए या कुछ भी पूछते हैं अपन, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो ये सम मतलब कुछ हो गया, ठीक है ना। आई हैव सम थिंग्स, आई हैव सम पेन, आई हैव सम इटेबल थिंग्स, आई हैव सम व्हाटएवर थिंग्स, जो भी चीजें हैं ना वो, उनके लिए अपन सम लगा दिया, कुछ हो गया। लेकिन इसका यूज हम पॉजिटिव के लिए करते हैं, जब हम उनको नॉर्मली बताते हैं ना, डिक्लेरेशन होता है ना, जैसे कि हम डिक्लेयर करते हैं कि आई हैव सम सो एंड सो, इन चीजों में हम ज्यादा यूज करते हैं ना। और प्रश्न में भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया मैंने, और कुछ अपन जैसे कि अपन बोलते हैं ना, प्लीज गिव मी समथिंग, कृपया मुझे कुछ दो, कुछ दो मुझे, तो अपन ऐसे रिक्वेस्ट वगैरह करते तो भी अपन इसका यूज करते हैं। बट एनी का यूज थोड़ा सा अलग करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर, जब हमें कोई प्रश्न पूछना हो या हम कोई नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिविटी में कि डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास कोई पेन है, तब हम इस प्रकार का बातें कर सकते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए। देखेंगे एग्जांपल के थ्रू इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। डू यू हैव एनी बुक, जैसे मैंने पूछा क्या तुम्हारे पास एनी कोई पेन होगा, कोई पेन है आपके पास, जैसे बच्चे लिखते हैं तो अक्सर पूछते हैं ना आप लोग मेरे से कि मैम आपके पास पेन है क्या, तो यस आई हैव, तब हम बोलेंगे आई हैव मेनी पेन, आई हैव सम पेन, या फिर अगर नहीं है मेरे पास, आई हैव सम पेन, आई हैव वन पेन, आई हैव दिस पेन, ये भी बोल दूंगी। लेकिन अगर मैं बोलती नो आई डोंट हैव अ पेन, तो फिर मैं क्या बोलूंगी, नो आई डोंट हैव एनी पेन, नो नो आई डोंट हैव एनी पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है,
ठीक है, अनदर देख लेंगे, डू यू हैव एन आइडिया, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। सपोज हम लोग सब एक मीटिंग में बैठे हैं और वहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई अपने अपने आइडियाज दे रहे हैं, फिर कोई बंदा से चुप बैठा था, अपन क्या बोलेंगे उसको, डू यू हैव एन आइडिया, तो क्या आपके पास कोई आइडिया है। तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे पास कोई आइडिया नहीं, तो फिर हम वहां पे भी निगेटिव है, तो वहां पे भी हम लगाएंगे नो नो आई डोंट हैव एनी आइडिया, नहीं मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। देखा आपने कितना इजी है सम और एनी का यूज, और सम और मेनी का यूज बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बहुत जल्दी आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अब लेके आने वाले हम सारे एग्जाम्पल, ऑल, फ्यू, वन, सेवरल, ऑल, बोथ, नाइदर, इधर, ये सब लेके आने वाले हैं कि इनको हम एडजेक्टिव के फॉर्म में कैसे यूज करेंगे। तो इसके आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वो मुझे उम्मीद है कि आप पक्का देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।